नमस्कार, मैं हूं गौरव ठाकुर नेशनल इंडिया न्यूज़ से। आज हम हैं लक्ष्मी नगर नई दिल्ली में स्टार गेट एजुकेशन में, जहां पर इसके फाउंडर मेंबर सीए संजय अग्रवाल जी डायरेक्टर हमारे साथ हैं। संजय सर, नेशनल इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस विद दिस इशूज। मैं संजय अग्रवाल, CACMA स्टार गेट एजुकेशन का फाउंडर मेंबर। हमने ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुरू किया था कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सकें, और इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। हम इस प्लेटफॉर्म पर CACMA एकेडमिक 9th to 12th, और अभी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम शुरू किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने CU CSET का, उसके लिए हम प्रिपरेशन कराते हैं, एज़ वेल एज़ फॉर कंपटीशन SSC Bank PO। और अभी हमने जो 12th क्लास के अभी एग्ज़ाम हुए थे फर्स्ट क्वार्टर, उसका हमारे पास मार्वलस रिज़ल्ट आया है। हमारे पास अभी फर्स्ट टाइम पर टोटल मिला के 4,000 to 5,000 स्टूडेंट थे, एंड दे गॉट 100% मार्क्स, और बहुत अच्छा उनका रिज़ल्ट है। सर, आप जो कोर्सेज करा रहे हैं सर, तो सीए में सीएस में आप कोर्सेज कराते हैं, इसके अलावा कुछ स्कूल लेवल पे भी आप कुछ कोर्सेज कराते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। स्कूल लेवल पर जैसे हमने बताया भी कि 9th to 12th हम एकेडमिक कोर्स करवाते हैं, और अब जो नया पैटर्न आया है कि भाई 12th के जो मार्क्स होंगे एडमिशन के लिए, उनकी वेटेज नहीं मानी जाएगी, सीयू सेट से मानी जाएगी। हाँ। तो हर स्टूडेंट को वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। हाँ। तो हम उसके लिए भी बच्चों को तैयार करवा रहे हैं, स्पेशली उसमें रीजनिंग वगैरह एक पार्ट है और एक सब्जेक्ट मैटर का पार्ट है, तो हम उसके लिए बच्चों को दोनों के लिए अभी से तैयार करवा रहे हैं, ताकि वो बच्चा उसमें अच्छे से अच्छी रैंकिंग ला सके और अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन ले सके। क्योंकि अभी क्या होता है कि वो एकेडमिक लेवल पर तो पढ़ लेते हैं, पर जो जनरल नॉलेज होती है, जनरल अवेयरनेस हुआ, रीजनिंग हुआ, वो कहीं ना कहीं लैक करते हैं। तो मैं तो ये बहुत अच्छी कोशिश मानता हूँ कि भाई हमारी सरकार ने ये एक एंट्रेंस एग्जाम शुरू किया है, ताकि बच्चे का एक तरह से पूरा डेवलपमेंट होता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर डेवलपमेंट ना होकर एक कंप्लीट सर्वांगीण विकास जिसे कहते हैं ना, वो होता है। तो हमारी सबसे बड़ी जो USP है वो यही है कि बच्चे की हम प्रॉब्लम, बच्चे की वीकनेस को पहचानते हैं। ये नहीं है कि बच्चा टॉपर है तो उसको, टॉपर है तो टॉपर तो बनेगा ही, है ना, बट जो बच्चा वीक है हम उसको अपग्रेड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चा कहाँ वीक कर रहा है, और उसकी वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उसको पर्सनल इंट्रैक्शन देकर उसके डाउट सॉल्व करते हैं, ताकि वो आगे बढ़े। ये हमारा सबसे बड़ा हमारे पास जो फैकल्टीज हैं दे हैव एक्सपीरियंस्ड, बहुत क्वालिफाइड हैं, और वो बच्चे की प्रॉब्लम को बिल्कुल दोस्त की तरह से ट्रीट करते हैं कि बेटा जो भी दिक्कत है आप हमें बताओ, हम आपको इंडिविजुअल एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये सबसे बड़ी हमारी फैकल्टीज की खासियत है, और जो स्टूडेंट हमारे पास पढ़ रहे हैं दे आर वेरी वेरी हैप्पी और बहुत वो सेटिस्फाइड है। ओके, स्टार गेट का सर जो सीए का जो आपका क्लासेस चलता है, काफ़ी दिल्ली में फेमस है सर। ओके, दिल्ली NCR से स्टूडेंट्स आते हैं, क्या अचीवमेंट लेवल रहा है स्टूडेंट्स का, और क्या USP फैसिलिटीज़ है स्टार गेट का जिससे स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होते हैं? CA CS में हम आपको बताएं, केवल दिल्ली NCR नहीं, पूरा पैन इंडिया हमारा चलता है, और रैंक होल्डर्स हम प्रोवाइड करते हैं हर अटेम्प्ट के अंदर, और रैंक होल्डर्स के साथ में वही बात आती है कि भाई जो एक अच्छा स्टूडेंट है उसको भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, वो तो रैंक ले ही आता है, बट जो एक बिलो एवरेज होता है हम उसमें ज़्यादा मेहनत करते हैं, ताकि वो एवरेज से ऊपर आ सके। तो हमारे जो CA CS का भी रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा जाता है, और बच्चा हमेशा तारीफ करता है कि भाई कोई भी मेरे को प्रॉब्लम आती है और मैं एट एनी टाइम सर को व्हाट्सअप करता हूँ, या हमारी कोई भी फैकल्टी को व्हाट्सअप करते हैं, हमने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, तो उसमें बच्चे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और आपस में भी डिस्कस कर लेते हैं, और फिर वो हमसे भी डिस्कस करते हैं, तो उनसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और हम रेगुलर इंटरवल पर मॉक टेस्ट भी लेते रहते हैं उनका, ताकि उनको पता लगे कि हाँ वो कहाँ पर खड़े हैं और कहाँ उनकी कमजोरी है, और उस कमजोरी को फिर हम उनको दूर करके ये बताते हैं कि बेटा इस पार्ट पर आपकी वीकनेस है, यहाँ प्रेजेंटेशन की कमी है, यहाँ पर आपको और प्रेजेंटेशन की आवश्यकता है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके संजय सर, ये बताइए कि आप क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे आपके ये जो है स्टारगेट कोचिंग, स्टारगेट एजुकेशन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग कर रहा है, और पहले आपके कुछ और भी सेंटर्स से थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। हाँ, कोविड से पहले हमारे पैन इंडिया में 150 के करीब सेंटर थे, जिसमें बच्चा वहाँ पर आके क्लास लेता था और हम यहाँ से उनको ऑनलाइन टीचिंग देते थे। तो उसमें भी अब कोविड के बाद तो देखो वो नहीं है, तो केवल अब क्या है ऑनलाइन एग्जैक्टली रह गया। यहाँ ऑनलाइन का मतलब है डायरेक्ट टू होम, अब बच्चा घर पे बैठकर हमारी जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उसको वाच करता है और गूगल ड्राइव पर वाच करता है, तो उसमें उसको फायदा ही रहता है कि भाई अगर कुछ चीज़ उसको नहीं समझ में आई तो उसको रिपीट कर लेता है,
और यहाँ फेस टू फेस भी ठीक है, उसके एक साइकोलॉजी थी कि इंटरेक्शन की नहीं, भाई जो सर सामने नजर आएंगे तो मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगा, बट वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर ही है वो। और ऑनलाइन में क्या होता है कि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो एक तो रिपीट करके पढ़ लेता है और फिर हमसे वो व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर या फोन करके प्रॉब्लम पूछ लेता है, तो वो ज्यादा सेटिस्फाइड है एज कम्पेयर टू फिजिकल। ओके, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली मनीष सिसोदिया जी ने अभी एक टीचर्स यूनिवर्सिटी शुरू किया है बीएड के टीचर्स के लिए, इसके बारे में आपका क्या ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स के लिए? मैं सच में दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो टीचिंग यूनिवर्सिटी शुरू करी है ना, पता इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो टीचर एक तरह से डिग्री लेके जाएंगे और बच्चों का सर्वांगीण विकास करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, तो उससे पहले उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि भाई आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, आपको बच्चे की मानसिक स्थिति को समझना है, तो ये जो ट्रेनिंग होगी ना टीचर्स की ये बहुत ही जरूरी है ताकि वो टीचर एक तरह से क्लास में जाने से पहले वेल प्रिपेयर्ड हो कि भी मुझे सब्जेक्ट के साथ साथ में बच्चे की मेंटल स्थिति को भी समझना है और उस हिसाब से मुझे अपने लेक्चर को प्रोवाइड करना है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ना ये काम कर रही है, टीचर को ट्रेनिंग दे रही है कि हाउ टू डिलीवर योर वर्ड्स टू द स्टूडेंट ताकि वो उसकी अंतरात्मा में जा सके। संजय अग्रवाल सर, आप एक रिनाउंड सीएस भी हैं इसके अलावा, है ना, एक कोई स्कोटिंग टारगेट को एजुकेशन के अलावा, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को सीए इसमें एक्सेल करने के लिए इस लाइन में थोड़ा सा स्टूडेंट टिप्स दें। देखो स्टूडेंट टिप्स क्या है कि कोई भी कोर्स करे बच्चा, चाहे वो प्रोफेशनल करे, चाहे वो एकेडमिक करे, चाहे वो सेट का जो एग्ज़ाम है उसको पास करे, सबसे बड़ा टिप्स एग्ज़ाम का यही होता है, डू योर बेस्ट फॉरगेट द रेस्ट। बच्चे की कमी क्या होती है जो हमने ऑब्जर्व करी कि वो ना एग्ज़ाम में सिलेक्टिव कर लेता है कई बार कि ये वाला मैं छोड़ देता हूँ और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो उसको ना समझे ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो सारा करे। ठीक है, अब जैसे मैं जो कह रहा कविता याद आती है इस पर कि एक नॉर्मल बच्चा ये कहता है कि सर सागर जैसा सिलेबस है, नदी जितना पढ़ते हैं और पानी के गिलास के बराबर मार्क्स आते हैं, तो बताओ कहाँ जाएंगे हम, है ना, तो चुल्लू पर पानी पे डूब जाएंगे। तो हम कहते हैं नहीं बेटा रुको, मैं इस कविता को पूरा करता हूँ कि हालांकि सागर जैसा सिलेबस आपका, तो जब तक आप उसको मथोगे नहीं तो बताओ बेटा अमृत कैसे आएगा, तो अमृत अगर चाहिए तो आपको उसको पूरा करना ही पड़ेगा। और एक बार अगर आपने पैशन क्रिएट कर लिया कि यू हैव टू डू तो फिर वो पूरा पहाड़ जैसी चीजें भी बहुत छोटी सी नजर आती हैं। ये सिर्फ सोच का फर्क है हमारी। संजय सर, व्हाट इज द करंट प्लेसमेंट सिनेरियो पोस्ट कोविड एंड आल्सो बिकॉज ऑफ दिस अटैक ऑफ नहीं होता रशिया यूक्रेन क्राइसिस गोइंग ऑन, किस तरह के कंपनीज में जाते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से टारगेट एजुकेशन के, और किस तरह का प्लेसमेंट एक्सपेक्ट करते हैं? देखो अब जैसे मैं कहता हूँ कि ट्वेल्थ के बाद बच्चा ग्रेजुएशन करता है या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेता है या कंपटीशन की तैयारी करता है, तो उसके बाद वो बहुत अच्छी कंपनी में जाता है। ये डिपेंड करता है उसके बेसिकली कैलिबर पर। ठीक है, अगर वो पेशेंस रखकर बहुत अच्छे से वो अपने आप को सेल कर पाए तो कंपनी में कहीं कोई भी कमी नहीं है, भले कितना क्राइसिस आता रहे। अच्छे कैंडिडेट की कंपनी को हमेशा जरूरत रहती है। इट डिपेंड्स अपॉन द कैंडिडेट्स प्रेजेंटेशन, और वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस। ओके, तो ये थे स्टारगेट एजुकेशन के डायरेक्टर और फाउंडर मेंबर संजय अग्रवाल सर। संजय सर, नेशनल इंडिया न्यूज में जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक्स वेरी मच। थैंक यू सर, खबरें जारी रहेंगे नेशनल इंडिया न्यूज पर, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेशनल इंडिया न्यूज। थैंक यू।